बहुत तेजी से जो रुझान है वो टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। ये देखिए हरियाणा की 90 में से 90 सीटों के रुझान हमारे सामने आ चुके हैं। बीजेपी 23 सीटों पर आगे, कांग्रेस 65 सीटों पर आगे चल रही है। ये कांग्रेस पार्टी बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करती हुई हरियाणा के अंदर नजर आ रही है। जेजेपी का खाता नहीं खुला है। INLD जिसका BSP के साथ गठबंधन था, इसका भी खाता नहीं खुला है। बहुत क्लियर फाइट थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच। कांग्रेस बाजी मारती हुई यहां पर नजर आ रही है 65 सीटों पर। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि यह रुझान है, ये नतीजे नहीं है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस पार्टी बहुमत से काफी आगे निकलती हुई दिख रही है। 65 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी 23 सीटों पर आगे चल रही है। फिर रिपीट कर दूं, ये रुझान है। लेकिन सीट वाइज ये देखिए, बिग वॉल पर सीट वाइज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस सीट पर कौन आगे चल रहा है। कालका सीट पर कांग्रेस आगे, रादौर पर कांग्रेस आगे, उचाना कला में कांग्रेस आगे, एलनाबाद में INLD आगे, यहां से अभय चौटाला मैदान में थे, बाढ़ना से कांग्रेस आगे, बहादुरगढ़ से कांग्रेस आगे, हथीन से कांग्रेस आगे, कांग्रेस देखिए रेवाड़ी और होटल में भी आगे चल रही है, दादरी में बीजेपी आगे है, आदमपुर में कांग्रेस आगे, राई कांग्रेस, इंद्री कांग्रेस, लाडवा से बीजेपी आगे। यहां पर आगे पीछे का खेल चल रहा है। लाडवा बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। पंचकुला से बीजेपी आगे, नारायणगढ़ से कांग्रेस आगे, खरकौदा से, टोहाना से, उकलाना से कांग्रेस आगे, भिवानी से बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, झज्जर से कांग्रेस, पटौदी से बीजेपी, पलवल से भी कांग्रेस। तो एक एक सीट का सीट वार आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं और किस सीट पर कौन आगे चल रहा है ये बता रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर थी। 10 साल की एंटी इनकंबेंसी का नुकसान होता हुआ बीजेपी को साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब हम जम्मू कश्मीर पर आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में भी देखिए 90 में से 77 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं। 77 सीटों के रुझान आ चुके हैं और यहां पर भी कांग्रेस ने बाजी मारी है रुझानों में। ये नतीजे नहीं है, ये रुझान है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस पार्टी और NC गठबंधन 46 सीटों पर आगे चल रहा है, यानी बहुमत के आंकड़े पर इस वक्त नजर आ रहा है। बीजेपी 25 सीटों पर आगे। कश्मीर घाटी में बीजेपी को कितना झटका लगा है एनालाइज करेंगे, एक एक सीट का हाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल यह शुरुआती रुझान आपके सामने, जिसमें बीजेपी 25 सीटों पर आगे, कांग्रेस और NC गठबंधन 46 सीटों पर आगे और PDP 2 सीटों पर आगे, निर्दलीय 4 सीटों पर आगे। निर्दलियों से बहुत उम्मीद थी बीजेपी को अगर त्रिशंकु विधानसभा के आसार बनते हैं तो। लेकिन क्या वो नौबत आएगी जम्मू कश्मीर में? फिलहाल तो क्लियर मैंडेट NC कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है रुझानों में। अब आप देखिए हरियाणा में जो मैदान में दिग्गज हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं और उनका हाल आपको बताते हैं। विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में, जुलाना से आगे चल रही हैं विनेश फोगाट। ये VIP सीट जिसका हाल हमने आपको बताया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर अपना दबदबा साबित करते हुए हरियाणा की सियासत में, घड़ी सांपला किलोई से वो आगे चल रहे हैं। यहां पर हमने देखा रोहतक में उनके घर पर जश्न की तैयारी है। गोपाल कांडा सिरसा से पीछे चल रहे हैं, ये HLP के गोपाल कांडा के लिए बुरी खबर। रणजीत सिंह चौटाला रानिया से पीछे चल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जो कि उप मुख्यमंत्री थे, इस्तीफा दिया और खुद उन्होंने ये माना कि बीजेपी के साथ जाने का उन्हें नुकसान हुआ है। लेकिन नुकसान तगड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। दुष्यंत चौटाला खुद अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं ये पता नहीं है, वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। अभय सिंह चौटाला एलनाबाद से आगे चल रहे हैं, ये देखिए एक अहम जानकारी सामने आ रही है। अब जम्मू कश्मीर पर आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की बात सबसे पहले कर लेते हैं। अगर NC कांग्रेस गठबंधन को सफलता हासिल होती है तो उमर अब्दुल्ला CM होंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बड़गाम 2 सीटों से लड़ रहे थे, दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती PDP का सबसे बड़ा चेहरा बनकर इन चुनावों में उभरी। महबूबा मुफ्ती की बेटी श्री गुफाड़ा बिजबेड़ा से ये भी आगे चल रही हैं। बीजेपी की शगुन परिहार किश्तवाड़ से चुनावी मैदान में थी, ये आगे चल रही हैं। इसके अलावा बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना नौशेरा में आगे चल रहे हैं। बीजेपी का जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा चेहरा। तो ये कुल मिलाकर स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन एक एक सीट को एनालाइज करने के लिए हमारे साथ पार्था भी मौजूद हैं। पार्था,
अभी जो आपके पास डेटा जितना भी अवेलेबल हुआ है वो क्या कहानी कह रहा है? देखिए अभी तक इनिशियल पोस्टल बैलेट का काउंटिंग हुआ है, मेनली वही डेटा आ रहा है। हाँ। इलेक्शन कमीशन अभी तक इनिशियल ट्रेंड बहुत ज्यादा ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। तो अब तो 9 बजे से ऊपर हो गया है, तो पोस्टल बैलेट खत्म हो गया। मुझे लग रहा है 9:30 तक ये डेटा आना चालू हो जाएगा। बट अभी तक जो रुझान है आप देखेंगे, आईएनएलडी जेजेपी बहुत खराब कर रहा है, कांग्रेस बहुत अच्छा कर रहा है। तो इनिशियल जो ट्रेंड मुझे लग रहा है जाट वोट कंसोलिडेट हुआ है, ओके। और अगर ये ट्रेंड, अगर इनिशियल ट्रेंड है तो हरियाणा में जाट वोट बैंक जो है वो कंसोलिडेट हुआ है कांग्रेस का फेवर में। और ये ट्रेंड अगर अभी तक है, देखिए 67 हो रहा है, तो कांग्रेस शायद 70 भी टच कर सकता है अगर इनिशियल ट्रेंड अगर ऐसा रहा है। बट इलेक्शन कमीशन जब तक 15 to 20 सीट्स का ऑफिशियली नंबर दे देता है, तब हम लोग दर्शक को बहुत क्लियरली बताएंगे, यानी एक घंटे के अंदर अंदर हम ये बता पाने की स्थिति में होंगे कि ये रिजल्ट हमें क्यों देखने को मिल रहा है। 9:30 आधे घंटे में मिल जाएगा, ठीक है। आधे घंटे का हमें और इंतजार करना पड़ेगा, और उसके बाद सीट पर किस कैंडिडेट को जीत हासिल हो रही है, कौन कैंडिडेट हार रहा है, इसकी वजह भी हम बता पाएंगे डेटा मोशाए के जरिए और इन आंकड़ों के जरिए। ओवर टू यू सुमेरा। जी हाँ समीर, तो आधे घंटे बाद इन आंकड़ों को हम विश्लेषण के साथ आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में आदमपुर से भव्य बिश्नोई पीछे चल रहे हैं, हरियाणा में जुलाना से विनेश फोगाट आगे चल रही हैं। विनेश फोगाट की सीट पर सबकी नजर बनी हुई थी, विनेश फोगाट आगे चल रहे हैं। कैथल से आदित्य सुरजेवाला आगे चल रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला के बेटे। कैथल में 4 में से 3 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, यानी कैथल जिले में जो 4 सीटें हैं उसमें 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है। पलवल की सभी 3 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। हरियाणा की अलग अलग जिलों की तस्वीर, नूह की सभी 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। जिलेवार भी हम आपको बता रहे हैं, अंबाला में 4 में से 3 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। देखिए ये अंबाला का जो इलाका है वो बीजेपी के प्रभाव का इलाका है, लेकिन वहां पर भी 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आ गई है। हिसार में 7 में से 4 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी बहुमत से अब पीछे हुई है। देखिए अब 44 सीटों पर फिलहाल है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी, तो बहुमत से पीछे हो गई है एक बार फिर। 3 सीट पर निर्दलीय अब आगे चल रहे हैं, लेकिन तस्वीर बदली है जम्मू कश्मीर की। महबूबा की पार्टी सिर्फ 2 सीट पर आगे चल रही है और अन्य के खाते में 6 सीटें फिलहाल जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इंजीनियर रशीद की पार्टी भी 1 सीट पर आगे चल रही है। देखिए अन्य के खाते में जम्मू कश्मीर में 6 सीटें फिलहाल। अल्ताफ बुखारी की पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कौन सी पार्टी कहां पर आगे चल रही है। देखिए ये तस्वीर जम्मू कश्मीर की जो बहुमत का मीटर है, इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी और नेशनल कांग्रेस 45 सीट पर फिलहाल रुझानों में आगे हैं, यानी बहुमत से ये 1 सीट पीछे हैं। हमारे साथ मेहमान यहां पर सभी बने हुए हैं, हमारे साथ रामकृपाल जी मौजूद है। रामकृपाल जी, तस्वीर जो दिख रही है अभी, आपको लगता है इसमें बदलाव होगा बहुत, हरियाणा की अगर बात करें और उसके बाद जम्मू कश्मीर की? पहले हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में तस्वीर क्या इसी तरह की दिखाई देगी हमें, क्योंकि ये रुझान अब सीटों में बदलने शुरू होंगे कुछ समय बाद? देखिए हो सकता है कि नंबर थोड़े ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैसेज बहुत साफ है और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये जनता ने कांग्रेस को एक्सेप्ट किया है एक विकल्प के रूप में, और दोनों जगह से मैसेज बहुत क्लियर है। हालांकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पर है, ये बाद में देखेंगे, लेकिन जिस तरह से पहले भी खबरें आ रही थी कि वैली में राहुल का काफ़ी वेलकम किया जा रहा था, तो ये संकेत है हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों से कि कांग्रेस को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो कांग्रेस उभर रही है उसको लोगों ने बीजेपी का विकल्प स्वीकार कर लिया है और कांग्रेस मजबूत हुई इससे। जी इसमें कोई दो राय नहीं, शाम तक होते होते क्या हो जाए, लेकिन दोनों जगह सरकारें बनेंगी कांग्रेस प्लस की। तो आपके मुताबिक ये तस्वीर इसी तरह से सीटों में भी बदलती हुई दिखाई देगी? जयशंकर जी आपके मुताबिक? नहीं बिल्कुल, रामकृपाल जी सही कह रहे हैं, तस्वीर तो लगभग ऐसे ही रहेगी, 2-1 सीटों का हेर फेर इधर आगे पीछे हो सकता है। लेकिन देखिए तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है, तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि अब जो मोदी और शाह अमित शाह जी का जो करिश्मा था वो ढलान पे है, इसको भी स्वीकार करना होगा। भाजपा को लोग अब खारिज करने लगे हैं, लोकसभा के चुनाव में खारिज किया, 240 पे सिमटा दिया, अब ये हरियाणा हाथ से जा रहा है। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल के जरिए प्रॉक्सी जो रूल कर रहे थे उसको भी लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने खारिज कर दिया है,
और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और झारखंड से भी नतीजे इसी तरह के आएंगे। तो आप तो अब भाजपा नेतृत्व को सोचने की बात है कि अभी मोदी तो यहाँ तो की सीटें नहीं आई है, अभी तो रुझान है जयशंकर जी, अभी तो रुझान आए, अभी तो सीटें आनी बाकी है। तस्वीर किस तरह से पूरी बनकर उभरेगी शाम तक वो देखना बाकी है। लेकिन संजीव जी, ये जो तस्वीर अभी दिखाई दे रही है, इसमें आपको कौन से बड़े फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं? हरियाणा में जो कहा जा रहा था कि बेरोजगारी या किसान, जवान, पहलवान, क्या वही मुद्दे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या क्या वजह रही है इस तरह का सेटबैक बीजेपी के लिए? देखिए, जब कोई चीज़ चढ़ती है ना, तो वो भी कितना ऊपर तक जाएगी उसकी सीमा नहीं होती। जब कोई गिरना शुरू होते हैं तो कितना नीचे गिरेंगे इसकी कोई सीमा नहीं होती। तो एक बात में जयशंकर जी, आपने कहा अभी तो इस रुझान है सीटों में तब्दील होंगे, लेकिन जैसे रामकृपाल जी भी कह रहे थे, कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली अगर होती है तो वो आश्चर्य की बात होगी। तो कमोबेश इसके आसपास रुझान सीटों में तब्दील होंगे। अब वो 5 सीट कम ज़्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल कांग्रेस का सितारा थोड़ा सा जनता एक्सेप्ट कर रही है, विकल्प की तरह से देख रहे हैं। बीजेपी का सितारा ढलान पे है और बीजेपी नेतृत्व का भी ढलान पे है। और उसके कारण स्पेशल देखिए, एक तो कारण ये 10 साल हरियाणा की एंटी इनकम्बेंसी बड़ा कारण है, क्योंकि आपने 10 साल वहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट दी जो बहुत लोकप्रिय नहीं थी, फिर कुछ कास्ट कॉम्बिनेशन ऐसे बैठे, और एक जनता का सोच है ये आज से नहीं शुरू से कि हम सब बदलाव चाहते हैं। नहीं, लेकिन संजीव जी, ऐसा बदलाव लेके घूमने के स्थान से लेके सरकारों तक संजीव जी, सब बदलाव चाहते हैं। ऐसा बदलाव मध्य प्रदेश में लोगों को नहीं चाहिए था, वहां पर इस तरह का नहीं था मामला, लेकिन हरियाणा में अलग है। तो तस्वीर अलग क्यों है हरियाणा में, मध्य प्रदेश में क्यों अलग थी? अगर हम कोई भी लॉजिक काम नहीं करता। अब आपने मध्य प्रदेश की बात की, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ बीजेपी दिसंबर में इतने धड़ल्ले से जीती, जबकि आम धारणा ये थी कि विधानसभा में मोदी जी का जादू लोकसभा से कम चलता है, लेकिन लोकसभा में वही सीटें काफ़ी अच्छी संख्या में राजस्थान में हार गए। तो ये तो क्या समय गतिशील है, अब हम सब बैठ के उसके विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि समय बदल रहा है, अब वो किस सीमा तक बदलेगा ये मैं आप कोई नहीं बता सकता, लेकिन चेंजेस इन द एयर और चेंज एक और मायने में भी है, जो हम इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं आपको। वो परिवार जिन्होंने हरियाणा की राजनीति को डोमिनेट किया पिछले इतने सालों से, उसके तमाम सदस्य पीछे चल रहे हैं अपनी अपनी सीट से, दुष्यंत और अर्जुन चौटाला पीछे चल रहे हैं, इसके अलावा भजन लाल के पोते भव्य बिश्नोई पीछे चल रहे हैं। ये जो तमाम सीटें हैं, ये उन दलों की और उन लोगों की सीटें हैं, यानी उस परिवार की सीटें हैं जिनका हमेशा से दबदबा रहा है। बंसीलाल की पोती श्रुति पीछे चल रही हैं, श्रुति अपने चचेरे भाई से पीछे चल रही हैं, यानी परिवार के लोग एक दूसरे के सामने खड़े हैं चुनावी मैदान में। चौटाला परिवार में सिर्फ अभय चौटाला ही हैं जो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। देखिए, ये जो है ये अपने आप में, इस पर संजीव, आप रामकृपाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें? देखिए सर, ये कहा जा रहा था कि क्या ये चुनाव इसका भी नतीजा सामने रखेगा कि जो परिवार जिनका डोमिनेशन रहा है उससे भी लोग आगे हटेंगे? देखिए, मैं एक और बात कह रहा हूँ, हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कि चुनाव हमेशा रिबेलियन के नाते आ रहा है, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखने चाहिए। कांग्रेस ने जो प्रॉमिस किया था, जैसे लोकसभा के दौरान भी जो चीज़ें कही थी, उसका असर जो कांग्रेस का पुराने समय से जो ट्रेडिशनल वोटर रहा है, जो उनकी स्ट्रेंथ रही है, आप देखिए कौन सा दलित और पर्टिकुलरली माइनॉरिटी, तो एक जो फोकस करके जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें जो जो बातें कही गई हैं, तो आप ये भी सोचिए कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव होकर के भी दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि लोग कांग्रेस बीजेपी से एकदम नाराज हो गए इसलिए कांग्रेस चुन लिया, ये है फैक्टर, नो डाउट, इनका एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन एक नई होप जिस तरह के उनके मैनिफेस्टो में जो जो वादे किए गए हैं, एक पॉजिटिव वोट है, वोट भी है, जी जी, वोट फॉर कांग्रेस है। संजीव, मैं आपके पास आऊंगी, होल्ड योर थॉट, हमारे साथ विक्रांत मौजूद है कांग्रेस दफ्तर से, उनका रुख कर लेते हैं, मैं आपके पास भी आऊंगी बशीर। विक्रांत के पास चलते हैं क्योंकि वहां से बहुत दिलचस्प तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जश्न मन्ना, तो विक्रांत सुबह ही शुरू हो गया था, पहला रुझान में नहीं आया था, अब क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर शंख, ढोल, ताशे और ये जलेबी आ गई। देखिए, जलेबी आ गई, ये इमरती जलेबी, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि लाडू भी चालेगा तो जलेबी भी चाल लेगी। जलेबी की सियासत हरियाणा में बहुत महत्वपूर्ण रही, राहुल गांधी ने
जलेबी का जिक्र किया, जलेबी की फैक्ट्री का जिक्र किया, जिसके बाद नायब सिंह सैनी ने तंज कसा तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जलेबी मंगवाई है। और अब मातूराम हलवाई, देखिए वही मातूराम हलवाई जिसकी जलेबी राहुल गांधी खरीद कर लाए थे अपनी बहन प्रियंका के लिए, वही मातूराम हलवाई की जलेबी यहाँ पर है। आप देख सकते हैं मर्ती भी यहाँ पर है, शंख है, ये है, ढोल है और कांग्रेस के कार्यकर्ता है। बहुमत का आंकड़ा पाती हुई दिखाई पड़ रही है हरियाणा में कांग्रेस, और जम्मू कश्मीर में बहुमत के आंकड़े के करीब है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ मोहब्बत की दुकान में पूरा हरियाणा बैठ गया है, जम्मू कश्मीर बैठ गया, पूरा भारत बैठा। राहुल गांधी को जनता पसंद करी है, सच बोल रहे हैं, सच का झंडा ले रहे हैं, जनता की बात करें, किसान महिला मजदूर सबको साथ लेकर चल रहे हैं। लाडू चलेगा, जलेबी चलेगी? जलेबी चलेगी, चल रही है, चल रही है, पूरी बहुमत से चल रही है। जी जलेबी इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि मिठास खोलनी है हमें, और मोदी जी को समझना चाहिए, राहुल जी ने कहा था जलेबी की फैक्ट्री खोल देंगे, मतलब मोहब्बत की दुकान खोल देंगे, लोगों के मन में मिठास खोल देंगे, और वो गुल चुका है, पूरा खुशनुमा माहौल इस वक्त एसीसी कार्यालय के बाहर है। हरियाणा से देश भर से लोग आ रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। इन बेटियों को मिलेगा क्योंकि इनके साथ अन्याय हुआ है इस हिंदुस्तान में, एक पहला अन्याय इन बेटियों के साथ हुआ। क्या कहेंगे, आज आ रहा हरियाणा में ऐसा दिखाई पड़ रहा है रुझानों में। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता ने जनादेश दे दिया है। ये देखिए आप, यहाँ ढोल भी बज रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। विक्रांत, तो जश्न मनाया जा रहा है, जलेबी बांटी जा रही है, लेकिन बड़ी खबर क्या है, बड़ी तस्वीर क्या है, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीर हरियाणा की, 90 की 90 सीटों के रुझान सामने हैं आपके, और देखिए 67 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आ गए तो 21 पर बीजेपी, INLD एक सीट पर, अन्य के खाते में एक सीट, लेकिन बाकी तमाम दलों का, JJP का, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ फिलहाल दिखाई दे रहा है रुझानों में। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहां पर अभी सभी सीटों के रुझान सामने नहीं आए हैं, 78 सीटों के रुझान सामने हैं जिसमें 45 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी आ गए हैं, 6 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं, PDP के पास 2 सीटें हैं और BJP के पास 25 सीटें हैं इन रुझानों के मुताबिक। तो ये तस्वीर फिलहाल जम्मू कश्मीर की दिखाई दे रही है, जम्मू कश्मीर में लेकिन 6 निर्दलीय हैं जो अपनी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, 45 जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को। बशीर साहब, लेकिन आप लगातार ये कह रहे थे और ये बात कही भी जा रही थी कि बीजेपी को उम्मीद ये है कि जम्मू में वो ज्यादा सीटें जीतेंगे और फिर वो कोशिश करेंगे कि घाटी से उन्हें कुछ सीटें मिल जाए, लेकिन यहां जम्मू में ही उन्हें बड़ा सेटबैक है। जम्मू में जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं जो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं, अगर इसी आंकड़े को देखें तो? मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दूंगा दोनों जम्मू और कश्मीर घाटी के हवाले से। जी, जम्मू घाटी में जो बीजेपी को मिल रहा है, देखो ये बीजेपी को नहीं मिल रहा है, दीज आर ऑल द पीपल हु हैव कम फ्रॉम, हु हैव क्रॉस्ड फ्रॉम कांग्रेस टू बीजेपी। इस वक्त बीजेपी ने, इनको ये रियलाइजेशन थी, इस वक्त बीजेपी ने अपने जो इनके पार्टी के एफिलिएट्स जो हैं उनको इन्होंने पीछे कर दिया। पिछली बारी जो सांसद थे उनमें से मेजॉरिटी को उन्होंने निकाला और कांग्रेस से जो आए हुए लोग हैं वो आए हैं, वही इस वक्त लीड कर रहे हैं। इसके बावजूद कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, बीजेपी अध्यक्ष, सारे लोग जम्मू में कैंप डाले हुए थे। इसके बरकस आप श्रीनगर जाइएगा, कश्मीर वैली, कश्मीर वैली में बाय एंड लार्ज दिस इज ए लीडरलेस इलेक्शन, जहां पे उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती कैंपेनिंग करने नजर ही नहीं आए क्योंकि वो बहुत ही डर रहे थे, अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सीमित थे। वहाँ पे इंडिविजुअल बेस्ड इलेक्शन है, जिस इंडिविजुअल की जितनी ना लोकप्रियता है वो इतना आगे जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस में डेफिनेटली वो एज है उसमें। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इतनी भी सीटें जम्मू में कांग्रेस बीजेपी को नहीं मिलती अगर उन्होंने जो दल बदल कर उनके पास आए थे उन्हें टिकट ना दिया होता, यानी जिसके लिए नाराजगी हो रही थी उसकी वजह से बीजेपी को फायदा हो रहा है या उसकी वजह से नुकसान हो रहा है? उसकी वजह से फायदा हो रहा है, अगर उन्होंने अपने ही लोगों को रिपीट किया होता तो इतनी सीट्स नहीं मिलती, ये भी नहीं मिलती, आपका ये कहना है। देखिए और देखिए तस्वीर, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, 62 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे, बीजेपी 22 पर आगे, INLD 2 पर आगे, INLD अभी तक एक सीट पर आगे चल रही थी, अब एक सीट पर आगे बढ़ी है। जम्मू कश्मीर में भी देखिए कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन अब बहुमत से आगे बढ़ गया है, 48 सीट पर पहुंच चुका है, 30 सीटों पर बीजेपी आ गया है। तो ये तस्वीर जम्मू कश्मीर की। लेकिन संजीव जी, आप उस वक्त हरियाणा के बारे में बात कर रहे थे और इस वक्त हम जम्मू कश्मीर का आंकड़ा दिखा रहे हैं, पहले जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर यह कहा जा रहा था
30 पर बीजेपी आ गया है, यानी जम्मू में वो कुछ बड़ी है, जम्मू में उसकी सीटें बड़ी हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी 48 पर, यानी बहुमत से आगे फिलहाल रुझान में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, यानी एक क्लियर पक्ष में दिखाई दे रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के रुझानों के मुताबिक। देखिए रिजल्ट एक तो बहुत एक्सपेक्टेड लाइन्स पे हैं, सबको ये आइडिया था कि एनसी और कांग्रेस का गठबंधन स्ट्रांग है। वहाँ पे सिर्फ एक डिबेट ये थी कि अगर कांग्रेस अपने दम पे लड़ती तो शायद इस गठबंधन से बेटर परफॉर्म करती, क्योंकि एनसी के खिलाफ ट्रेडिशनल पार्टीज के खिलाफ लोगों में नाराजगी है, लेकिन वो गैम्बल या रिस्क कांग्रेस में लेने की हिम्मत नहीं थी, और हो सकता है वो उल्टा पड़ जाता, भाई अभी तो हम इफ एंड बट हाइंडसाइट इज द मोस्ट पावरफुल साइट है। बट ऑब्वियसली ये दोनों ने मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में है। बीजेपी को जम्मू से बहुत उम्मीद थी, लेकिन जो भी कहिए मुझे शुरू से लगता था कि इतना सिंपल पोलराइजेशन भी नहीं है कि भाई जम्मू हिंदू वोट बीजेपी को चला जाएगा, फिर तो बड़ा ही सिंपल हो जाए सारा खेल, फिर हमें आपको किसी को जनता पे तो कुछ छोड़ ही नहीं रहे, तो जनता सबसे ज्यादा श्यानी है। नहीं नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा था कि 370 को लेकर जम्मू में भी एक बड़ा सेक्शन है जो खुश नहीं है, और वो नाराजगी क्या इसमें दिखाई दे रही है, 370 की अभी जो ये बात कह रहे थे कि बीजेपी को फायदा हुआ है दल बदलुओं को लाने से, लेकिन देखिए अक्रॉस द कंट्री दल बदलुओं की वजह से बीजेपी कार्डर डिमोरलाइज्ड है, वो हतोत्साहित है, वो नाराज है कि जिंदगी भर तो हमने दरियां बिठाई और कहीं पे अशोक चव्हाण, कहीं पे कोई और, मतलब हर स्टेट में कहीं हेमंता, मतलब हर जगह तो नए लोग आ गए बाहर के, तो ये जो नया भारत, नई बीजेपी, नया ये सब कुछ हुआ है उसमें पुरानी बीजेपी भी हाशिए पे लग गई। अब एक हरियाणा पे बस मैं एक कॉमेंट इंटरेस्टिंग जो मेरे मन में आ रहा है कि अगर सच में 65 टाइप सीट आती है कांग्रेस की तो बीजेपी तो दुखी होगी, लेकिन थोड़ा बहुत परेशान हुडा साहब भी होंगे, क्योंकि वो भी 50 के आंकड़े के आसपास से मोस्ट हैप्पी होते, क्योंकि वो सबसे कंफर्टेबली चीफ मिनिस्टर बनते हैं अपनी मर्जी से मंत्रिमंडल। अब 65 के आसपास के फिगर में हाई कमांड का हस्तक्षेप काफी सक्रिय हो जाएगा। बिग ब्रेकिंग, नौशेरा से रविंद्र रैना पीछे। नेता है, मीडिया को देखते हैं, पवन जी क्या कहेंगे, लाड्डू चलेगा या जलेबी चलेगी हरियाणा में? चलेंगे, मोदी चूर चूर के लड्डू और जलेबी, फैक्ट्री में बनी हुई जलेबी मोदी जी को आज भिजवाएंगे। सर जम्मू कश्मीर को में थोड़ा सा लग रहा है कि बहुमत के करीब है आप लोग, लेकिन अभी आंकड़ा पार नहीं हुआ रुझान? पूरी तरह से पार होगा, हम क्लियर मेजोरिटी से, कंफर्टेबल मेजोरिटी से जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाएंगे। सर ये किसकी जीत है और किसकी हार है? देखिए साहब, मोदी जी की सूरत जितनी बार अब दिखती है ना टीवी पर, लोग उतनी हमारी सीटें बढ़ा देते हैं, तो उनको श्रेय तो मैं दूंगा, और हमारी मेहनत, हमारा पॉजिटिव एजेंडा, हमारा नेतृत्व, हमारी मोहब्बत की दुकान, ये जीत उन सब की है। राहुल गांधी ने लगातार आखिरी दिनों में काफ़ी हरियाणा में प्रचार किया, जम्मू कश्मीर भी गए, राहुल गांधी का रोल कैसे देखते हैं? खड़गे साहब हों, राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, लगातार हरियाणा में चुनाव प्रचार किया, और जो उनका संदेश था उस संदेश का बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। हरियाणा में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस में कौन होगा, इसको लेकर कांग्रेस में बड़ी कश्मकश है, आपस में बहुत झगड़ा है। हमारे यहाँ तो प्रक्रिया बनी हुई है, आज 138 साल पुरानी पार्टी में कभी कश्मकश होती है क्या? ये कश्मकश ये नौसिखियों में होती है, जो ये कभी जनसंघ हो जाते हैं, कभी बीजेपी हो जाते हैं, कभी जनता पार्टी हो जाते हैं, उनको अपना नाम ही नहीं मालूम है। आखिरी सवाल, जनता को क्या कहना चाहेंगे इन दोनों चुनावों के नतीजों को देखते हुए? आज जो जलेबी खा रहे हैं, 5 साल जलेबी ही खिलाएंगे, बढ़िया खिलाएंगे, मुंह मीठा ही रहेगा और खुश रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पवन खेड़ा, दिल्ली से कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष। तो देखिए, और इस वक्त हमारे पास जम्मू कश्मीर के क्षेत्रवार नतीजे आ गए हैं। ये बहुत दिलचस्प डेटा अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जम्मू की अगर बात की जाए, जम्मू संभाग की 43 सीटें हैं, उनमें से बीजेपी 34 सीटों पर आगे चल रही है, यानी जम्मू में जबरदस्त बढ़त बनाकर रखी हुई है भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस और एनसी गठबंधन 6 सीटों पर आगे, कहां की, जम्मू की 6 सीटों पर कांग्रेस और एनसी गठबंधन आगे चल रहा है। पीडीपी जम्मू की 1 सीट पर आगे चल रही है, लेकिन कश्मीर ने देखिए क्या रुख दिखाया है। कश्मीर की 47 टोटल सीटें हैं परिसीमन के बाद, और इनमें से 41 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं, यानी जबरदस्त बढ़त हासिल कर ली है कश्मीर में एनसी और कांग्रेस गठबंधन ने, और 2 सीटों पर पीडीपी आगे चल रही है, यानी पीडीपी के लिए बड़ा झटका। साउथ कश्मीर से भी निराशा हाथ लगी है पीडीपी को। इसके अलावा आप देखिए,
अगर हम अदर्स की बात करें तो अदर्स 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं कश्मीर में। अदर्स इंपॉर्टेंट उस सूरत हाल में हो जाते जब त्रिशंकु विधानसभा के आसार होते, क्योंकि बीजेपी को इन निर्दलियों से काफी उम्मीदें थी। कुल निर्दलियों की संख्या है 6, पीडीपी के पास 3 सीटें, यानी 3 सीटों पर पीडीपी के कैंडिडेट आगे, रुझानों में 46 सीटों पर, कुल 46 सीटों पर, जो कि बहुमत का जादुई आंकड़ा है, 46 सीटों पर आगे एनसी और कांग्रेस के उम्मीदवार चल रहे हैं और 35 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर के ये जो क्षेत्रवार नतीजे हैं ये पूरी पिक्चर क्लियर कर दे रहे हैं। जम्मू में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और कश्मीर में बहुत आगे निकल गई है। एक तरफा सीधे तौर पर रुझान नजर आ रहे हैं और वो रुझान है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के फेवर में। अब हरियाणा की 90 में से 90 सीटों के रुझान हमारे सामने है, क्षेत्रवार नतीजे। अब हम आपको दिखाते हैं कुरुक्षेत्र की 27 सीटें, बीजेपी 8 पर आगे, कांग्रेस 18 पर आगे, जेजेपी खाता नहीं खुला है, INLD खाता नहीं खुला है, आम आदमी पार्टी का तो जादू कहीं नजर नहीं आ रहा है हरियाणा में, और अदर्स 1। अब जाटलैंड की बात करते हैं, जाटलैंड 18 सीटें, 2 सीटों पर बीजेपी आगे। जाटलैंड में बहुत बड़ा झटका बीजेपी के लिए इसे माना जा सकता है। कांग्रेस 15 सीटों पर आगे, जाटलैंड की 18 सीटों में से 15 सीटों पर कांग्रेस आके, बाकी का खाता नहीं खुला है। अब बात करते हैं बागड़, 18 सीटें, 18 में से सिर्फ 2 पर बीजेपी आगे, 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे और INLD के कैंडिडेट्स, INLD गठबंधन के कैंडिडेट्स, क्योंकि BSP के साथ उनका गठबंधन हुआ है, 3 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। अब आप देखिए अहिरवाल 27 सीटें और यादव बेल्ट में 13 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 14 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे, बाकी का खाता नहीं खुला है। कुल जो रुझान हमारे पास सामने आए हैं हरियाणा के वो ये रहे आपके सामने, 25 सीटों पर बीजेपी आगे और 59 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। ये जबरदस्त एक तरफा जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन ये अभी रुझान है, रुझान में कांग्रेस पार्टी की बंपर जीत होती हुई नजर आ रही है। लेकिन मेरी दिलचस्पी पार्था जम्मू कश्मीर में ज्यादा है। जम्मू में एक तरफा बीजेपी के पक्ष में और नेशनल कॉन्फ्रेंस और INC के पक्ष में, कश्मीर में एक तरफा माहौल नजर आ रहा है। जम्मू को आपने जब एनालाइज किया तो क्या नजर आया? देखिए पहले जो चीज है हमारा एग्जिट पोल में जो लगा था इंडिपेंडेंट 18-20 सीट तक जीत सकता है। हाँ। तो देखिए अभी ये इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल नंबर, ठीक है, ये रुझान था, ये ऑफिशियली अभी तक जो ट्रेंड इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इसमें देखिए 57 में ओनली 2 में इंडिपेंडेंट आ गया। अच्छा, ठीक है। अब देखिए BSP DAP आगे, CPM ऑल्सो पार्ट ऑफ मतलब कांग्रेस NC अलायंस के पार्ट है, ये कुल है जम्मू कश्मीर पूरे का, पूरा का। अब ये मैप देखिए, तो मैप में देखिए ये जो रेड है, ये रेड मतलब NC, ओके, ठीक है। तो एक सीट BSP आ गया, 2 सीट में आई थिंक PDP आ गया है। तो क्या है जो आपका जो कश्मीर में 47 सीट्स है उसमें इंडिपेंडेंट जितना उम्मीद हो रहा था उतना अच्छा नहीं कर रहा है, नहीं कर रहे। तो मतलब ये एरिया, ये 47 में शायद कांग्रेस NC ने 47 में 42-43 सीट्स जीत जाए इधर यहां से ही। अच्छा, मतलब ये जो ट्रेंड अगर चलता रहा है, ठीक है, ओके। और आप देखेंगे जम्मू में पूरा बीजेपी, देखिए ये पूरा जो सैफ्रन पैच है बीजेपी पूरा स्वीप कर रहा है, ठीक है। तो क्या है मतलब एक ही स्टेट का, ये जम्मू संभाग है, ये जम्मू है, बट जम्मू और कश्मीर का जो कनेक्टिंग है ये जो एरिया है इधर, देखिए बीजेपी उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, ओके, ठीक है। तो क्या कश्मीर और जम्मू और कश्मीर का बॉर्डर एरिया, ये जो रेड दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये है, ये है क्या आपका जम्मू और कश्मीर का बॉर्डर एरिया है, ठीक है। तो इधर देखिए NC कांग्रेस अच्छा कर रहा है, तो इधर का ट्रेंड मोर ऑर लेस क्लियर है, जो थर्ड मतलब ऐसे कुछ ऑप्शन। लेकिन जम्मू की 6 सीटों पर कांग्रेस और NC आगे चल रही है, वो कौन कहां कहां है? ये बॉर्डर एरिया, बॉर्डर एरिया आप समझ रहे हैं ना। हाँ। ये जो बॉर्डर एरिया मतलब कश्मीर से लगता हुआ जो बॉर्डर एरिया जम्मू का जो कश्मीर से लगता हुआ, उधर डेमोग्राफी जम्मू जैसा नहीं है, आप समझ रहे हैं, तो वही हो रहा है। तो मतलब क्या इधर जो सोच रहा था जो मतलब किसी को कंप्लीट मेजोरिटी नहीं मिलेगा ऐसा ट्रेंड नहीं दिखा था। अभी देखिए 57 में इनको 25 हो गया और आपका कांग्रेस को 6, 25 + 6, 31, कम्युनिस्ट पार्टी 1, 32, तो 57 में 32 मतलब मोर देन 50% सीट्स में ऑलरेडी आगे है NC कांग्रेस अलायंस। अच्छा मुझे ये बताइए गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी कहाँ है, DPAP का क्या हुआ? नहीं देखिए अभी जैसा हरियाणा में देख रहा है, जम्मू कश्मीर में देख रहा है, फाइट
एग्जैक्टली बाइपोलर हो रहा है, थर्ड कोई बंदे का जगह ही नहीं दे रहा है, जनता उसको नहीं देख रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे सारे सीट जो 57 में आप देखेंगे क्या आदर्श को कितना है, मतलब ये डीपीएपी का मैं देख रहा हूँ एक सीट पर आगे, एक सीट में आगे, बीएसपी 1-2-4, मतलब आप समझ लीजिए हार्डली 7-8% सीट में बाकी लोग आगे हैं, ठीक है। अगर जो हरियाणा का भी देख लेंगे, हरियाणा में अभी तक जो जितना ऑफिशियल ट्रेंड जो आया है, ये देखिए हरियाणा में एक्चुअली क्या है, जितना सोचा जा रहा था उससे थोड़ा ज्यादा टक्कर है, ठीक है। ये जो ट्रेंड है मुझे लग रहा है जो हरियाणा में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन है। आप देखेंगे अभी तक 23 सीट्स का रुझान आया है, जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल डेटा है उससे आप एनालाइज यहां पर कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी 12 और बीजेपी 10 पर नजर आ रही है, INLD 1। और देखिए इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप देखेंगे वोट शेयर, या ये वोट शेयर में देखिए कांग्रेस आगे है, मतलब 43.76 अभी तक सीटों में भी आगे है कांग्रेस, नहीं सीटों में आगे है, बट मैं बोल रहा हूँ देखिए वोट शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 44% वोट शेयर और 36 43.76% कांग्रेस और बीजेपी 36.56%। तो मतलब इधर क्या हो रहा है, आप ऑलमोस्ट 7% वोट से आगे है, ठीक है। तो इनिशियल जो इलेक्शन कमीशन का ट्रेंड आप देख रहा है 12-10, ठीक है, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है जो हाँ इधर देखिए ऑलमोस्ट क्लोज लग रहा है, बट वोट शेयर में कांग्रेस को बहुत आगे आगे दिखाई दे रहा है। तो क्या हो रहा है, ये शायद थोड़ा इंडिकेट कर रहा है रीजन वाइज एक वोटिंग पैटर्न दिखाई दे सकता है, मतलब शायद जाट वन साइडेड वोट कर रहे हैं, शायद पंजाबी भी वन साइडेड वोट कर रहा है, इनिशियल ट्रेंड से आ रहा है। और थोड़ा सा डेटा आ जाएंगे, मतलब और समझ लीजिए और 20-30 मिनट्स के बाद, ठीक है, हम लोग एग्जैक्टली बोल सकते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर का तो बहुत हद तक क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हरियाणा के डेटा के लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। आधे घंटे में हरियाणा की भी तस्वीर साफ हो जाएगी, यानी ये नतीजे क्यों हैं ये हम बता पाने की स्थिति में होंगे। गौरव और सुमेरा। बिल्कुल समीर, तो देखिए समीर अभी डेटा मुशाय के साथ आपको बिल्कुल डेटा माइनिंग करते हुए बता रहे थे कि आखिर कहां पर क्या चीजें दिख रही हैं इन रुझानों में, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, ओवरऑल पिक्चर जो अभी तक निकल कर सामने आई है वो आपके सामने रख देते हैं। हरियाणा की 90 के 90 सीटों के रुझान आ चुके हैं, लेकिन बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। नौशेरा से जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना पीछे चल रहे हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस को जम्मू रीजन में 6 सीटें मिली हैं, कश्मीर रीजन में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है, यह जानकारी सामने आ रही है। पीडीपी सिर्फ 3 सीट पर जम्मू कश्मीर में अभी तक के रुझानों में आगे चल रही है, और 11 निर्दलीय आगे चल रहे हैं, तो निर्दलियों का नंबर एकदम से बढ़ा है, और ये क्या कुछ होगा इन निर्दलियों के सारे देखना होगा। ये तस्वीर भी देखिए, बीजेपी 31 पर पहुंच चुकी है, निर्दलीय 11 पर पहुंच चुके हैं, बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस 45 पर है, तो तस्वीर क्या बदल सकती है ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। सोपोर से लेकिन अफजल गुरु का भाई आगे चल रहे हैं, ये पीछे चल रहे हैं सोपोर से अफजल गुरु का भाई पीछे चल रहे हैं, ये अहम सीट मानी जा रही थी और कहा जा रहा था कि समर्थन वहां आम लोगों का मिल सकता है, लेकिन नहीं मिला है। लेकिन जम्मू कश्मीर में नौशेरा से रविंद्र रैना पीछे हैं, लेकिन अलग अलग फेज जो 3 फेज में चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, हर फेज वाइज नतीजा क्या सामने आ रहा है और किस तरह की तस्वीर अभी दिखाई दे रही है, आइए वो आपको दिखा देते हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव हुए थे, तो पहला चरण जो 24 सीटों पर चुनाव हुआ था, 24 सीटें और इन सीटों में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 17 सीटें मिल रही हैं। पहले चरण की जो 24 सीटें हैं उसमें पीडीपी को 2 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 2, और बीजेपी को 3 सीट मिल रही है। गौरव, बिल्कुल, ये पहला चरण था 24 सीटों का। अब जल्दी से दूसरा चरण आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में जो दूसरा चरण रहा उसमें 26 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 16 पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन आगे चल रहा है, पीडीपी 0 पर। इस चरण में पीडीपी को एक भी सीट नहीं दिख रही है, और अदर्स 3 सीट पर आगे चलते हुए दिख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं दूसरे चरण में जो यहां पर नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन तीसरे चरण के भी आपको तस्वीर दिखा देते हैं। तो तीसरे चरण की जो सीटें थी, जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव हुआ, तीसरे चरण में 40 सीटों पर मतदान हुआ था, और इन 40 सीटों में देखिए बीजेपी को 21 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12 सीटें मिल रही है, पीडीपी को 1 और अन्य के खाते में 6 सीटें जा रही है। यहां बीजेपी को 21 सीटें मिल रही है, क्योंकि तीसरे चरण में जम्मू संभाग की ज्यादा सीटें थी, 40 सीटें जहां पर तीसरे चरण में चुनाव हुआ था, और क्योंकि जम्मू में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल रही है इसलिए यहां पर देखिए बीजेपी को 21 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 12 सीटें मिल रही है। यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी को जम्मू में 6 सीटें मिल रही हैं, इसके अलावा घाटी में उन्हें सीटें मिल रही हैं। तो देखिए ये तस्वीर इस वक्त किस तरह की दिखाई, और हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, देखिए हरियाणा के आंकड़ों में उलटफेर हो रहा है, अब 60 से नीचे आ गई है कांग्रेस पार्टी,
चौटाला परिवार में सिर्फ अभय चौटाला ही आगे हैं जो एलनाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जेजेपी से वो पीछे चल रहे हैं। अर्जुन चौटाला अभय चौटाला के बेटे रानिया से वो पीछे चल रहे हैं। भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई आदमपुर से पीछे चल रहे हैं। ये उनके लिए बड़ी सीट मानी जा रही थी, सेफ सीट मानी जा रही थी। बंसीलाल की पोती श्रुति तो शाम से पीछे चल रही है, श्रुति चौधरी, और गढ़ी सापला किलोई से हुड्डा आगे चल रहे हैं। तो जो परिवार के जो पारिवारिक राजनीति हरियाणा की, उसके कई बड़े चेहरे या कह सकते हैं कई नए चेहरे हैं जो पीछे चल रहे हैं। लेकिन गौरव देखिए, मुझे जम्मू कश्मीर में जो अब आगे तस्वीर बदल रही है या जो बदली हुई तस्वीर अभी दिखाई दे रही है, इसमें काफी दिलचस्प आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए बीजेपी और अन्य को अगर मिला दें, 31 बीजेपी है और अन्य 11 है। कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस फिलहाल 45 पर है, लेकिन बस एज पर बनी हुई है। पीडीपी के पास 3 सीटें हैं। बीजेपी लगातार कहती रही है कि उन्हें अन्य का समर्थन मिल सकता है, बीजेपी ज्यादा सीटें जीतेगी। तो देखना यह है कि फाइनल आंकड़ा कहां पर जाता है। इनफैक्ट कई सारे तो ऐसे कह जा रहे थे कि बीजेपी के प्रॉक्सीज हैं। हाँ। तो क्या वो बीजेपी के प्रॉक्सीज ही जीत रहे हैं या कोई और जीत रहा है? लेकिन हमारे साथ जो मेहमान है स्टूडियो में, उनसे बात करते हैं। संजीव जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं बशीर असद, जो कि कश्मीर की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। संजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपसे हरियाणा के आंकड़ों पर देखूं। अब 57 पर आ गई है कांग्रेस हरियाणा में, तो मुझे लगता है कि अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं 56, तो ये तो क्लियर कट है वहां पर। लेकिन हुड्डा सीएम, सैलजा सीएम, रणदीप सुरजेवाला सीएम, क्या इसको लेकर भी कोई आपको क्वेश्चन मार्क दिखता है? नहीं, अभी तो नहीं लगता क्वेश्चन। अगर ये नंबर्स रहते हैं या कोई भी नंबर रहे, मुझे हुड्डा जी के चीफ मिनिस्टर बनने पे डाउट नहीं है कि चीफ मिनिस्टर हुड्डा होंगे। पिता पुत्र में कौन होगा, वो भी शायद पिता ही होंगे, क्योंकि नंबर्स ऐसे नहीं आ रहे कि वो अपने बेटे को बना सके। 45-50 के बीच में दीपेंद्र का भी चांस बन सकता और था। बेटे को बनाना भी चाहते हैं या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। हाँ, ये मुलायम सिंह यादव के अलावा किसी ने कभी बेटे को बनाया नहीं, अपने बनाया नहीं है किसी ने जीते जी। बट ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर हरियाणा का ये है, जैसे आप सुमेरा जी बार बार कह रही थी कि परिवार की राजनीति को ठुकराया है जनता ने, मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूँ। जनता ने क्लियरली बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चुनाव को देखा है, बाइपोलर हुआ है, तो उन्होंने जो भी इधर उधर की रिफ्राफ थी उसको नकार दिया, क्योंकि उनको इसको देना है या उसको देना है, या कहिए बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को देना है, जो भी बाद में बीजेपी के साथ जा सकते थे उनको भी निपटा दिया। तो कहीं ना कहीं उनका डिसाइसिव निर्णायक मत है। और जम्मू कश्मीर में इंटरेस्टिंग है नंबर्स, बट मुझे नहीं लगता कि, देखिए 31 सीट के आसपास अगर बीजेपी रहती है तो कितने भी प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हो, प्रॉक्सी उनके चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़े हैं ना। हाँ। तो प्रॉक्सी उधर सारे नहीं जा सकते, वो फिर जीतने वाले के साथ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी बदल रहे हैं आंकड़े, तब्दील हो रहे हैं, तो जो अभी हमारे स्क्रीन पर है उस पे एज ऑफ नाउ जो नंबर स्क्रीन पे, उसके अनुसार कोई चांस नहीं लगता, क्योंकि वो जनता की मैंडेट के अगेंस्ट जाना हो जाएगा। अगर इन नंबर्स के साथ बीजेपी सरकार बनाती है तो आप जनता की मैंडेट को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। क्या आप जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में ये अफोर्ड कर सकते हैं कि आप पब्लिक की मैंडेट जो एक जने को 45 दे रही है, और 99% क्या होगा, कितनी भी लड़ाई हो पीडीपी कांग्रेस एनसी के साथ चली जाएगी, क्योंकि उसका भी बीजेपी बड़ा एनिमी है। तो ये सब संजीव जी तो हम आपको कुछ और दिलचस्प आंकड़े दिखाते हैं हरियाणा के चुनाव से जुड़े हुए। हरियाणा के चुनाव में जो नतीजे अभी तक सामने आ रहे हैं, जो तस्वीर अभी दिखाई दे रही है, उसके कुछ दिलचस्प विश्लेषण आपके सामने हम रखने वाले हैं। कहां से कौन जीत रहा है, कौन सी सीटें किसके, दिखाइए पीसीआर ग्राफिक्स लेकर आइए, वहां पर किसको बढ़त मिल रही है, किस पार्टी को बढ़त मिल रही है, किस क्षेत्र में बढ़त मिल रही है, ये सब जानना बहुत दिलचस्प है। क्योंकि आंकड़े तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसका विश्लेषण भी होना जरूरी है कि दरअसल कहां पे किसको क्या मिल रहा है। हरियाणा में तस्वीर बदली, लेकिन एक अपडेट दे दीजिए सुमेरा, 55 पर कांग्रेस और 30 पर बीजेपी, हरियाणा में टैली में चेंज हो रहा है। यही मैं अभी कह रही थी कि अभी ये बदल रहा है, ये आंकड़े बदल रहे हैं, लेकिन फिलहाल देखिए हरियाणा में 90 सीटों की अगर बात करें तो मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड यानी सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। कुल उम्मीदवार 9 थे बीजेपी में, जो आगे जो जीत रहे हैं, जो आगे चल रहे हैं वो 4 हैं, पीछे जो चल रहे हैं वो 5 हैं। स्ट्राइक रेट 44.4 का है गौरव, ये तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है। और अगर देखें तो मंत्रियों का स्ट्राइक रेट बेटर है उनके ओवरऑल रिजल्ट से अगर आप देखें तो, लेकिन कुल उम्मीदवार अगर मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड देखें, 90 में से 10 जो यहां पर आप कुल उम्मीदवारों में से देखें, बीजेपी
यहां पर 27 आगे पीछे जो है 49 और ये स्ट्राइक रेट जो यहां पर दिखता है कुल 270% का यहां पर दिखता है। मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड देखें अगर 10 के बजाय यहां 27 का तो ये रिपोर्ट कार्ड ज्यादा अच्छा दिखता है। लेकिन जल्दी से आगे और आपको दिखाते हैं ये हरियाणा का और क्लासिफिकेशन और ग्राफिक्स क्या हमारे पास कहते हैं और रिपोर्ट्स क्या कहते हैं। महिला उम्मीदवारों की बात करें सुमेरा तो 10 महिला उम्मीदवार हैं और अगर कुल की बात करें तो 28 आगे जीते हैं पीछे 48 हैं। तो ये जो है स्ट्राइक रेट थोड़ा सा आपको हम समझाएंगे आगे, लेकिन अब चलते हैं समीर के पास। समीर ओवर टू यू। बिल्कुल, और एक बहुत दिलचस्प जानकारी हम अपने दर्शकों को देने जा रहे हैं गौरव, क्योंकि आप तो लगातार सीटें बता ही रहे हैं किस सीट पर कौन आगे ये भी बता रहे हैं, लेकिन हरियाणा का बड़ा दिलचस्प डेटा इस वक्त हमारे सामने है जो कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो इस वक्त रुझान हमारे सामने है उसमें 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 23 सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस बीजेपी से पीछे चल रही है। फिलहाल ये जो चुनाव आयोग का ऑफिशियल डेटा है वो हम आपको बता रहे हैं, 25 सीटों पर बीजेपी आगे, 23 सीटों पर कांग्रेस आगे, लेकिन वोट परसेंटेज में कांग्रेस ही आगे। वोट परसेंटेज में आप देखेंगे अभी तक इलेक्शन कमीशन का है वो है कांग्रेस 41.27 और ये 37, तो मतलब 4% वोट से आगे है। ओके, तो लेकिन एक चीज क्लियर है, कांग्रेस को जो मतलब 65 वगैरह जो सीट लग रहा था वो सीट मुझे नहीं लग रहा है जे इसमें मिलने जा रहा है। ठीक है, इसमें यानी शुरुआती रुझानों में जो तस्वीर बनती नजर आ रही थी लोग कहने लगे थे कि 60-70 के बीच में कांग्रेस रहेगी, वैसा नहीं होने जा रहा है। अभी मुझे लग रहा है चैलेंजिंग लग रहा है। और क्या है, हम लोग इस डेटा को थोड़ा बहुत इसमें डाल दिया, आप देखेंगे एक इंटरेस्टिंग अभी तक जैसे समझ लीजिए जो रुझान आ रहा है उसको हम लोग मैप में डाल दिया। एक इंटरेस्टिंग जो है जो शैलजा जी का वो जो इम्पैक्ट कुछ पड़ा नहीं पड़ा मैं चेक कर रहा था। कैटेगरी मैं यहां पर आप देखिए मैं क्या कर रहा हूं, एससी पॉपुलेशन ग्रेटर देन 20। अभी देखिए ऐसा अभी तक मतलब यानी ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर एससी वोटर्स निर्णायक हैं और ये 90 में से 47 टोटल 47 है, लेकिन अभी सीट टैली आप देखेंगे अभी हमारे पास 15 का नंबर आया है। जी ठीक है, इस 15 में देखिए बीजेपी साथ में आ गया है, कांग्रेस साथ में आ गया है। तो कांग्रेस जो एक्सपेक्ट कर रहा था एक जाट और दलित कंसोलिडेशन, वो कंसोलिडेशन इनिशियल ट्रेंड में नहीं दिखाई दे रहा है। ये लग रहा है जो एससी वोट आप समझ लीजिए थोड़ा सा जा रहा है। अब जाट वोटर्स का भी देख, आप जाट वोटर्स का अगर देख लिया, जाट वोटर्स में मोर देन 20% सेलेक्ट कर लिया तो देखिए टोटल अभी 37 सीट्स है। ओके, जाट वोटर्स ग्रेटर देन 20% हरियाणा में 37 सीट्स है। अभी सीट टैली में हमारा कितना है, 13 सीट का है। इस 13 सीट में देखिए जो तुलना आ रही है ये 2024 के लोकसभा चुनाव से तो लोकसभा चुनाव में देखिए 26-10 था। लेकिन उस रेशियो से असेंबली इलेक्शन में देखिए बीजेपी अभी तक जो इलेक्शन कमीशन ट्रेंड है उसमें 7 में आगे और इधर 5 मतलब 7-5-1 कांग्रेस 7 पर आगे बीजेपी 5 पर आगे और एक में इंडिपेंडेंट आगे। ठीक, और ये वो सीटें हैं जहां पर जाट वोटर्स निर्णायक असर, जाट वोटर्स ग्रेटर देन 20% है। तो हरियाणा का और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मुझे ये क्लियर है जो हरियाणा जो 70 सीट 65-70 ये तो होने वाला नहीं है, मोरल से क्लियर है बीजेपी कॉम्पिटिशन में है। एक एससी वोट मुझे लग रहा है जिस तरीके से कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रहा था उस तरीके से मूवमेंट नहीं हुआ। ओके, तो अभी और थोड़ा सा टाइम लगेगा, हरियाणा क्या है नेक टू नेक जा सकता है। मतलब फिलहाल ये बड़े संकेत हरियाणा के इन आंकड़ों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे निकल जाएगी कांग्रेस पार्टी, ऐसा नहीं होने वाला है। फिलहाल ये संकेत है जो शुरुआती सीट का ट्रेंड आ गया जी, 60 में देखिए 30 में बीजेपी आ गया है। ओके, अभी भी बीजेपी आ गया है, तो 60 का ट्रेंड आ गया, 30 मतलब जो जिस तरीके से जहां 60 सीट बा और इस तरीके से लग रहा था ये नंबर वो नहीं दिखा दे रहा है वोट शेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर बता दें चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जो रुझान हमारे सामने है वो ये रहे आपके सामने, 30 सीटों पर हरियाणा में बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी 28 सीटों पर आगे चल रही है। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर हरियाणा की 60 सीटों के रुझान हमारे सामने है जिसमें बीजेपी आगे। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है वोट शेयर। ठीक है, वोट शेयर की अगर बात की जाए तो 36.84% बीजेपी
और कांग्रेस 41.52%। तो मतलब क्या है, ये ट्रेंड फाइनली एंड तक नहीं रहेगा, कांग्रेस आगे निकल जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट जिस तरीके से आप समझ लीजिए ये क्लीन स्वीप दिखाई दे रहा था, इनिशियल ट्रेंड में वो नंबर दिखाई नहीं दे रहा। और वोट परसेंटेज में भी लगभग 4% का ही डिफरेंस है। ठीक है, टू कॉर्नर में 4% इज गुड, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बट ये जो 60+ ये अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है समान नंबर 55-60 का बीच में शायद कांग्रेस इतना सीट जीत पाएगा। मतलब अभी तक के जो रुझान है इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर, उसके मुताबिक संकेत मिल रहे हैं 55-60 सीटों के आने के, बहुमत से काफी आगे रहेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होने जा रहा कि 60 से भी ऊपर निकल जाएं। ये हरियाणा के जो अभी हमने डेटा एनालाइज करके अपने दर्शकों के सामने तस्वीर रखी है, ये एक बड़ी पिक्चर हरियाणा के निकल कर सामने आ रही है। सुमेरा जी, समीर, तो तस्वीर देखिए किस तरह की, इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें दिखाई दे रही है वो समीर हमें बता रहे थे, लेकिन हमारे साथ यहाँ और मेहमान जुड़ गए हैं। अभी हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये जो तस्वीर अभी फिलहाल दिखाई दे रही है हरियाणा में इलेक्शन कमीशन के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें बीजेपी हरियाणा में आगे दिखाई दे रही है थोड़ी, लेकिन जो रुझान है उसमें कांग्रेस पार्टी आगे थी, अब कुछ पीछे हुई है। आपको लेकिन क्या लग रहा है कि जो आंकड़े हैं वो कहां जाकर ठहरेंगे? क्या ये सिर्फ टू वे फाइट है हर्षवर्धन जी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस? नहीं, मुझे तो 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम और उसके पहले कुछ विधानसभा, देश पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्टीज के बीच बंटने जा रहा है। ये इसको अगर आप ध्यान से देखें, और हरियाणा बहुत कुछ तय करेगा। हमने तेलंगाना में वो संकेत देखा था, हमने कर्नाटक में वो संकेत देखा था, और अब अगर हरियाणा में क्षेत्रीय पार्टी खत्म होती है, रीजनल पार्टीज खत्म, आप कश्मीर को छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर एकदम जिसको कहते हैं कि इस देश में हर राज्य। हर्षवर्धन जी, अगर आप एक प्रतिक्रिया इस पर भी दे दें, जो आंकड़ा हम अभी दिखा रहे हैं चुनाव आयोग के जो नतीजे हैं उसमें 30% बीजेपी, 28% कांग्रेस फिलहाल। मोहित मल्होत्रा उनके साथ, अनिल विज है, वहां जानना पड़ेगा, बात करिए अनिल विज से। मोहित, देखिए हरियाणा के पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इस वक्त पहुंचे हैं, आपसे थोड़ी देर में वो मीडिया से बातचीत करेंगे, बड़े ही रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं, और उनकी जो नाती है वो उनकी गोद में दिखाई दे रही है, और बड़े ही रिलैक्स मूड में अनिल विज यहां पर दिखाई दे रहे हैं। उनसे सवाल जवाब शुरू करते हैं। विषभ, क्या कहेंगे जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं इस पर, क्या कहेंगे? देखिए अभी बहुत शुरुआती रुझान है, और जो मैं अभी अभी टेलीविजन पर देख के आ रहा हूँ, तो बीजेपी 38, कांग्रेस 48। अभी आगे बढ़ने से फिर स्थिति का पता लगेगा। मोहित, अगर आप अपना माइक थोड़ा अनिल विज जी के पास करें मोहित, तो उनकी बात हमें और साफ सुनाई दे। और मुझे लगता है कि और घंटे तक, अभी तो पहला राउंड हुआ, उससे पहले पोस्टल बैलेट हो रहे थे, उससे पहले स्कैनिंग हो रही थी, स्कैनिंग के बाद पोस्टल बैलेट हुए हैं, और फिर पहला राउंड अभी खुला है। तो आप पहले राउंड में अगर 38-48 आ रहे हैं तो देखो आगे देखते हैं। अभी सब आप बड़े रिलैक्स मोड में नजर आ रहे हैं, छोटा बच्चा गोद से देखिए भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक सुबह से वहां इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वो भी बाहर निकले। रुझान कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं, रुझान कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। मैं अकाउंटिंग सेंटर में जा रहा हूं, वहां से जन्नत में आऊंगा, वहां जाइए। कुछ तो बोलिए आप, जो रुझान आ रहा है कुछ तो कहिए। सरकार बनाने जा रही है, सरकार बना रही है, मुख्यमंत्री के लिए आप दावा पेश कर रहे हैं सर। तो देखिए हमने कोशिश की भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात करने के लिए, और उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में हम सबसे बात करेंगे, लेकिन जो पहली प्रतिक्रिया थी वो यही कह रहे थे कि कांग्रेस जो है जीत रही है, जो रुझान आया कांग्रेस जीत रही है, उन्होंने पहला रिएक्शन यही दिया टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए। और कोशिश की हमने उनसे बातचीत करने के लिए, जो फर्स्ट रिएक्शन था उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है, हमें बहुमत मिल रहा है और हम जीत रहे हैं। तो ये पहली तस्वीर देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आवास से निकले हैं, और यहाँ पर एक जन्नत बैंकेट हॉल है, वहाँ काउंटिंग सेंटर है, और वहाँ इस वक्त निकल रहे हैं, वहाँ के लिए वो निकल रहे हैं। लेकिन अभी जो पहली
जो पहली बार वो निकले अपने घर से यहाँ के लिए, तब हमने उनसे बात की और मैंने ये पूछा सीधे तौर पे कि रुझानों को देखकर पहला रिएक्शन आपका क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस जीत रही, कांग्रेस जो है सत्ता में आ रही। तो ठीक है रवि, तो रवि यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है लेकिन आंकड़े बदल रहे हैं। देखिए आंकड़े बदले हैं, हरियाणा के भी आंकड़े बदल रहे हैं, जम्मू कश्मीर के भी आंकड़े, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के दोनों तरफ से किस तरह से बदल रहे हैं। देखिए इस वक्त हरियाणा में 53 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आ गई है, तो बीजेपी 32 बीजेपी पर वापसी आ गए करती दिख रही सुमेरा, लेकिन एक बार वापस जाना पड़ेगा अनिल विज के पास, सुनते एक बार फिर से वो क्या कह रहे हैं। भाई इकट्ठा ही कर लो, गल्ला गल्ला नहीं, देखो देखो सर एक ही कर लेते हैं, बच्चे को दे दीजिए सर, बच्चे को। आगे है INLD 3 सीटों पर आ गए, अदर्स 2 सीटों पर आ गए, हरियाणा में रुझान बदले हैं और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने वापसी की है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी 31 सीटों पर आ गए, जबकि इलेक्शन कमीशन के आंकड़े अलग हैं। हरियाणा का आंकड़ा तेजी से बदल रहा है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है अभी तक रुझानों में, बीजेपी आगे है कांग्रेस पीछे है। तो ये अशोक वानखेड़े सीनियर पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक जी, आंकड़ों में अब फेरबदल हो रहा है क्योंकि अब क्योंकि ईवीएम खुल चुकी हैं, अब धीरे धीरे अब ये देखिए इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में 38 पर बीजेपी है, 31 पर कांग्रेस है, क्या आपको लगता है कि आंकड़े बदल सकते हैं और ये बदलेंगे तो ये बहुत बड़ा बदलाव होगा? बिल्कुल बिल्कुल बदलेंगे आंकड़े। मैं जो ऊपर का जो आपका दिखा रहा है 32-53, मुझे लगता है उसी पे उसी ट्रेंड से जाएगा। चुनाव आयोग में तो थोड़ा सा स्लो चलता है, अभी धीरे धीरे होगा, लेकिन देखिए अंतर है, बीजेपी काफी इस वक्त जो चुनाव आयोग का आंकड़ा है उसमें 38 पर है और कांग्रेस पार्टी 31 पर। हमने कई ऐसे चुनाव देखे हैं, मुझे वो बिहार का भी चुनाव याद है कि दोपहर तक आरजेडी का खाता नहीं खुला था और फिर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। तो मुझे लगता है उससे थोड़ा सीखना चाहिए, तो इट इज टू अर्ली टू मेक अ कॉमेंट। लेकिन एक बात है कि जो ऊपर वाला आपका दिखा रहा है कि 32-53, मुझे लगता है कि वो ट्रेंड है, वो ट्रेंड ही सेटल होगा। और अगर ये आंकड़ा थोड़ा और बदलता है हर्षवर्धन जी, कहीं अगर ये आंकड़ा 35-45 के आसपास आता है या फिर 35 से ऊपर, तो क्या कहेंगे आप? देखिए मैं लगातार एक बात कह रहा हूं कि अगर दलित और जाट पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में चला जाए तो ये आंकड़ा 53 नहीं होगा, ये आंकड़ा 38 नहीं होगा, ये आंकड़ा 46 नहीं होगा, फिर 70-80 होगा, क्योंकि आप 44-43% मत के साथ एक पार्टी खड़ी हो और उसको आप कहें कि 90 सीटों में 53 सर रोकेंगे आपको। अनिल विज फिर से कुछ कह रहे हैं, अनिल विज कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पोस्टल बैलेटों की स्कैनिंग हो रही थी, प्रोसेस है, पहले पोस्टल बैलेट खुलते हैं, फिर उनकी स्कैनिंग होती है, फिर काउंटिंग होती है। अब एक राउंड खुल चुका है, दूसरे पर गिनती हो रही है। जिस तरह से ट्रेंड आ रहे हैं बीजेपी की सरकार बन जाएगी अंत में, जब नहीं जाएंगे क्योंकि अभी आगे हो गई है बीजेपी, 38 पर बीजेपी है, 31 पर कांग्रेस है इलेक्शन कमीशन। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी विल फेयर वेल। सर आप काउंटिंग सेंटर पे नहीं गए, काफी रिलैक्स लग रहे हैं? नहीं मैं कभी नहीं जाता, मैं तो सर्टिफिकेट लेने जाऊंगा। तो अनिल विज जी बताते हुए कि अभी फिलहाल एक ही राउंड की काउंटिंग हुई है और क्योंकि उसमें बराबर बराबर की मामला इस वक्त दिखाई दे रहा है, यानी टक्कर जरूर दिखाई दे रही है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अभी और आगे के राउंड होंगे तब तस्वीर साफ होगी। ये इस वक्त हर्षवर्धन जी जो तस्वीर पहले दिखाई दे रही थी, जो रुझानों में दिखाई दे रही थी, अब जब सीट में बदल रही है तो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच टक्कर तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं आपको क्या लग रहा है कहां जाकर सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हैं फिलहाल अभी के उन नतीजों के मुताबिक? देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना ग्राउंड होल्ड कर रखा। अगर 2014 की सरकार का आंकड़ा भी देखे तो नंबर क्या था, 47। 2019 का नंबर क्या था, 40। यानी बीजेपी 90 की विधानसभा में 50 सीटों पर ही जीतने के लिए लड़ती और अगर उस 50 में वो 30-32 से लेकर 40 के बीच में कहीं भी कड़ी है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का सेंटिमेंट उसके साथ है। बदलाव क्या हुआ, बदलाव ये हुआ कि जेजेपी की क्रेडिबिलिटी यानी साख जाटों के बीच में पूरी तरह से खत्म हुई। जाटों को लगता है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उसकी हैसियत दिखा दी है, ये जो एक भाव जाटों में है उसकी वजह से एक परिणाम दिख रहा है। और क्या उसका असर
एंटी जाट पोलराइजेशन पर हुआ है। मुझे लगता है जब असली नंबर आएंगे तो उनकी छाप उस नहीं, असली नंबर से पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर्स फिर बदले हैं, कांग्रेस के नंबर्स फिर कम हुए हैं। कांग्रेस अब 51 यानी 51 सीटों पर आगे चलती हुई रुझानों में, बीजेपी के नंबर्स बढ़े हैं, बीजेपी अब 34 सीटों पर आगे चलते हुए, INLD और अदर्स 3 और 2 पर आगे हैं। तो नंबर्स लगातार हरियाणा में बदल रहे हैं। अशोक जी, जो आप अभी बिहार की बात कर रहे थे, क्या बिहार 2.0 तो नहीं हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता बिहार 0.2 हो जाएगा। यहाँ पे सरकार कांग्रेस की बनेगी ये बिल्कुल तय। 35-50 देखिए फिर कम हुआ नंबर, फिर कह रहा हूँ आपको, इट इज टू अर्ली टू से क्योंकि जो सेंटीमेंट है जो हमने देखा है हरियाणा 49-36 सर बिल्कुल नहीं, सेंटीमेंट तो मध्य प्रदेश में भी देखा था, फिर बदल गया सब कुछ। नहीं नहीं, मध्य प्रदेश में सेंटीमेंट नहीं था, कांटे की टक्कर थी। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता था कि वो जीत रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कांग्रेस पार्टी और सेंटीमेंट की बात हो रही थी, लगा था छत्तीसगढ़ में जीत रहे थे ऐसा लग रहा था, छत्तीसगढ़ पूरा रिवर्स हुआ। अशोक जी, नंबर्स बहुत तेजी से बदले हैं, फासला बहुत कम हो गया है, बीजेपी 38 सीटों पर 39 पर आगे और कांग्रेस 46 पर आगे, ये नंबर्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं। यानी नंबर बदल रहे हैं लेकिन थोड़ा सेटल तो होने दीजिएगा, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ। मैंने कहा कि सरकार कांग्रेस की बनेगी जो मैंने देखा, जो मेरा आकलन था। अब उसके बाद आपके नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं और ये लगातार होते रहेंगे। हाँ। एक बार तो बीजेपी आगे भी जा सकती है, फिर अंत में ही देखेंगे। कहा और देखिए वहीं आंकड़ा पहुंच गया, देखिए 42-43। हाँ देखो, नहीं बीजेपी आगे हो गई, देखिए बड़ी खबर, रुझानों में बीजेपी कांग्रेस से आगे हो गई, जा सकती है।